x and y coordinate of the particle at any time is this. तो किसी पार्टिकल का किसी टाइम पे x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि उसका t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे कितना होगा. देखो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन में टाइम की जगह 0 पुट कर दूं तो t इक्वल टू 0 पे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी कि वो टाइम t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, ठीक है ना. तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पोजीशन से सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो. पोजीशन वाली इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी. तो अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मिलेगी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, और ये वाई वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी तो वेलोसिटी मिलेगी वाई डायरेक्शन में. वापस से डिफरेंशिएट करोगे, ये वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा. ऐसे ही वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 - 4t, और 10t का होगा 10. तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमेशा 10 है, कॉन्स्टेंट है, और अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आ जाएगा, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रहेगा. ऐसे अगर मैं x डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा और -4t का हो जाएगा -4, यानी कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 4 रहेगा और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा. अपन को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि 2 सेकंड्स पे कितना एक्सेलरेशन होगा. लाइक 2 सेकंड हो चाहे कोई भी टाइम हो, हर वक्त एक्सेलरेशन -4 रहेगा एक्स डायरेक्शन में और वाई में तो 0 रहेगा. तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन ही नहीं है, ऐसे नहीं आ रहा ना 4t² या 4t, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है चाहे कोई भी सेकंड हो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 0 सेकंड, एक्सेलरेशन हमेशा आपका -4 ही रहेगा. तो एक्सेलरेशन वेक्टर ये बन जाएगा आपका, ठीक है. तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और उसकी वैल्यू होगी -4 ऑल टाइम्स पे.